टू जेड साइंस के पीस नोबेल प्राइज सीरीज की इस वीडियो में मैं ऋषि कुमार 1902 में दिए गए पीस नोबेल प्राइज के बारे में बताऊंगा। इस ईयर दो लोगों को पीस नोबेल प्राइज दिया गया था, जिसमें से एक इलिया डॉकमैन थे। इली डॉकमैन का जन्म 19 फरवरी 1833 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इली डॉकमैन शुरुआत में एक शिक्षक थे और बाद में एक लिबरल पॉलिटिशियन बने। 1873 से वो रेलवे के निदेशक भी नियुक्त हुए और उनका मानना था कि जो आधुनिक संचार सेवाएं हैं वो लोगों के बीच में सकारात्मक संबंध स्थापित करता है और इस तरह से शांति स्थापित हो सकती है। इली डॉकमैन को 1890 में बनी अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्यूरो का महासचिव चुना गया और इली डॉकमैन अपने मृत्यु तक 1906 तक इस पद पर बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्यूरो विभिन्न देशों के बीच शांति स्थापना के लिए कड़ी के रूप में काम करता है। इली डॉकमैन ने शांति के प्रयासों के लिए बहुत सारे लेख प्रकाशित किए और उनका मानना था कि लोगों को शांति के लिए शिक्षित किया जा सकता है। वो ये बात पूरी तरह से बिलीव करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के कारण बहुत सारे युद्ध को टाला जा सकता है। 73 वर्ष की उम्र में 7 दिसंबर 1906 को इली डॉकमैन की डेथ हो गई। इस वीडियो में मैंने आपको इली डॉकमैन के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।